स्नो क्लियरेंस के हवाले से हमने जो है अपना मशीनरी मैन पावर ऑल हैज़ बीन केप्ट रेडी। ब्रॉडली हमने पूरे शहर में एक म्यूनसिपल लेवल कंट्रोल रूम बनाया है विच इज़ मैंड बाय जॉइंट कमिश्नर एट श्रीनगर एसएमसी लेवल। इसी के साथ चार जोन्स में शहर को डिवाइड किया गया। हर किसी जोन में वी हैव जोनल कंट्रोल रूम्स और जोनल इंचार्जेस। सो दिस कंट्रोल रूम हैज़ बीन एक्टिवेटेड। इसके साथ हमारी लगभग 50-55 के आसपास मशीन्स हैं, जिसमें से 45 हमारी नई जो मशीनें हमने पिछले 2 साल में प्रोक्योर की हैं उनको रेडी रखा गया है। बाकी जो हमारे पास पुरानी मशीनरी भी थी उसको भी रीऑगमेंट करके रिस्टोर करके उनको भी रेडी किया गया है। सो वी हैव अराउंड 55 मशीन्स दैट हैव बीन केप्ट रेडी। उसका भी डिप्लॉयमेंट प्लान ऑलरेडी बनाया गया है। ड्राइवर्स हैव बीन केप्ट इन प्लेस दोनों डबल शिफ्ट्स में कि नाइट में भी काम करना पड़े डे में भी काम करना पड़े। फ्यूल दैट ऑल हैज़ बीन अरेंज फॉर द मशीन्स। इसी के साथ अब की बार व्हाट वी आर आल्सो डूइंग इज जो हमारे स्नो कैट्स हैं जिनको यूज़ किया जा रहा है उसमें कुछ एक जो है वी आर ऑल्सो यूजिंग अ काइंड ऑफ स्पेशल मटीरियल लेयर ताकि रोड डैमेज नहीं हो। दैट्स ऑल्सो वट वी आर डूइंग। इसी के साथ हमारा जो मैन पावर है लगभग 2800 के आसपास जो स्नो क्लियरेंस में यूज़ होता है दे हैव ऑल्सो बीन केप्ट इन रेडी मोड। उनको भी जो स्नो शॉवल्स या बूट्स हैं ग्लव्स हैं रेनकोट्स हैं दैट ऑल दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। जो हमारे इसमें कंजर्वेंसी आइटम्स की ज़रूरत होती है जिसमें हमारा जैसे डी आइसिंग सॉल्ट है दैट ऑल हैज़ बीन प्रोक्योर्ड वो भी सेंट्रल ऑफिसज़ में भी और जहाँ जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है उसको ऑलरेडी डिप्लॉय किया गया है। इसी के साथ हमारे यहाँ काफ़ी बार काफ़ी जगहों पे एक जो डीवाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे जो परमानेंट डीवाटरिंग स्टेशन है 85 दे हैव बीन केप्ट रेडी। उनकी भी सर्विसिंग की गई है। जो हमारा डीप ड्रेन नेटवर्क है सिटी में दैट हैज़ बीन क्लीनड अप डीसिल्टिंग की गई है ताकि ब्लॉकेजेस नहीं हो। इसके साथ साथ लगभग 125 मोबाइल डीवाटरिंग यूनिट्स को भी रेडी रखा गया है विच विल बी डिप्लॉयड एज एंड वेन दे आर रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन अगर कहीं पर वाटर लॉगिंग होती है या कहीं पे पानी भर जाता है बिकॉज ऑफ स्नो मेल्टिंग। सो ओवरऑल वी आर ऑल प्रिपेयर्ड टू 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 टैकल इट। सर अगर देखा जाए तो लोगों की आम शिकायत होती है कि छोटे गलियों में यहाँ बर्फ़ नहीं निकलता है तो उस पर क्या कुछ नहीं ये बात सही नहीं है। सभी गलियों में भी निकलता है मेन रोड्स पे भी निकलता है। जो हम लोगों ने जब हम स्नो क्लियरेंस प्लान बनाते हैं उसमें एक प्रायोरिटाइजेशन रखी जाती है कि सबसे पहले जो मेन रोड्स होते हैं मेन रोड्स को क्लियर किया जाता है। इसी तरीके से जो रोड हॉस्पिटल को जाता है या जो रोड पुलिस स्टेशन को जाता है जो रोड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जाता है उसको क्लियर किया जाता है। सब्सिक्वेंटली जो हमारे इनर लेन्स या बाई लेन्स हैं उनको भी क्लीन किए उनको भी जो है वहाँ से भी स्नो क्लियरेंस की जाती है। सो दिस स्नो क्लियरेंस विल हैपन एज पर दैट प्रायोरिटी जो इसमें सेट की गई है जिस प्रायोरिटी के साथ ये प्लान बनाया गया है। अब कई बार ये भी होता है फॉर एग्जाम्पल हमारे शहर में 7000 के आसपास लेन्स बाई लेन्स हैं। नाउ इट्स नॉट पॉसिबल टू एट अ टाइम सभी लेन्स का मैं क्लियर हूँ। सो ये जो इंडिविजुअल वार्ड भी है हर किसी वार्ड में डेडिकेटेड मशीनरी है वो भी एक साइड से शुरू करके ग्रेजुअली वो लेन्स को क्लियर करते करते दे मूव ऑन टू द अदर साइड। नाउ नेचुरली इस प्रोसेस में होगा कुछ लेन्स का पहले जो उसने स्नो क्लियरेंस होगा और कुछ लेन्स विल सब्सिक्वेंटली बी डन। सो वो टाइम लैग हमेशा ही रहेगा दैट्स अ नेचुरल थिंग। इसी के साथ क्योंकि आपने ये रेज भी किया है पॉइंट आपके वसातत के ज़रिए मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जब भी स्नो का फोरकास्ट हो काफ़ी जगहों पे लेन्स में गाड़ियाँ पार्क इस तरीके से की गई होती हैं कि हमारी मशीन्स या हमारी गाड़ियाँ वहाँ नहीं निकल पाती हैं। तो विंटर मंथ्स में जो लेन्स है लेन्स को क्लियर रखें गाड़ियाँ जो है बाहर रोड पे लेन्स पे जो है उनको पार्क नहीं करें। ये इंश्योर करें कि हमारे जो मशीन्स हैं या मैन पावर है उनको दिक्कत नहीं हो स्नो क्लियर करने के लिए। इसी तरीके से अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में देखोगे वहाँ एक बड़ा एक अच्छा हैबिट रहता है लोग अपनी जो इमीडिएट गली होती है उसमें भी दे कंट्रीब्यूट इन क्लियरिंग स्नो। सो यहाँ पे कई बार लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन विल कम इनसाइड द गेट एंड ऑल्सो क्लियर द लॉन ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन। दैट्स नॉट अ गुड थिंग दैट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू। ये एक कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की भी है कि जो हमारी इमीडिएटली कहीं बाहर गली है उसको भी हम लोग जो है SMC को कॉपरेट करें SMC को मदद करें एंड उसमें भी हाथ बटाएं सो दैट दिस इज़ डन इफेक्टिवली।